उसी कथा के क्रम में प्रसंगवाइज तो वो पीछे रह गया है, लेकिन फिर भी आपको याद दिला रहा हूं, सुना रहा हूं। भागवत में ही एक कथा प्रसंग आता है। एक बार गजराज अपने मैं फैमिली के पूरे परिवार के साथ 50 पत्नी 300 बच्चे किसके, गजराज के, हाथी के। बहुत से लोग मुस्कुरा दिए हैं, 50 पत्नियां, अरे तुम्हारी तरह उनके ऊपर वो जिम्मे, उनका तो पूरा जंगल ही नगर है, उन्हें कौन से तुम्हारे रोटी कमानी है उनके बच्चों के लिए और पत्नी के लिए, वो तो फ्री है। लेकिन याद रखिएगा, परिवार पशुओं का भी होता है जैसे आपका है, और मोह जैसे आपको है वैसे पशुओं को भी मोह होता है अपने बच्चों में, अपने परिवार में। इस गजराज की कथा जरा ध्यान से सुन लेंगे आप तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि आपकी सच्चाई क्या है। एक दिन गजराज अपने परिवार के साथ वन में भ्रमण कर रहे थे तो पत्नियां बोली, महाराज प्यास लग रही है। तो सब लोग मदमस्त होते हुए एक सरोवर के तट पर पहुंचे। सरोवर के तट पर जब पहुंचे, मेरे भाई बहन, तो वहां वो गजराज बड़ा मस्त हो गया। सरोवर का जल बड़ा पवित्र, स्वच्छ, निर्मल है। उस सरोवर में वो जब उतरा तो मेरे भैया, वो अपनी सूंड में पानी भर भर के अपने परिवारी जनों पर उछालने लगा और पूरा जल विहार कर रहा है, पूरा जल विहार। उस सरोवर में रहने वाले ग्राहक को ये मंजूर नहीं हुआ, अच्छा नहीं लगा। उनको लगा कि कोई मेरे घर को आकर अपवित्र कर रहा। तो उस ग्राह ने गजराज का पांव पकड़ लिया, चरण पकड़ लिया, पैर पकड़ लिया। शुरुआत में तो लगा कि कोई ऐसे ही होगा, क्योंकि गजराज में बल कम थोड़ी होता है, बहुत बल होता है। लेकिन जब बाद में एहसास हुआ कि यह बहुत बड़ी मुसीबत है, तो उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसे धीरे धीरे लगा कि अब मैं अपने आप को बचा नहीं पा रहा हूं। अपने बच्चों से कहा, अपनी पत्नियों से कहा कि मेरी जरा मदद करो। जब मदद के लिए आवाज उठाई तो उनकी पत्नी और उनके बच्चे सूंड में सूंड फंसा कर उस गजराज को बाहर निकालने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो सब असफल रहे, असमर्थ रहे। वो उस गजराज को बचाने में असक्षम है, सक्षम नहीं। बच्चों ने सोचा कि ये इनको बचाने के चक्कर में हम और मर जाएंगे, तो बच्चे सबसे पहले छोड़ के चले गए। ये कथा गजराज की तो है ही, साथ में आपकी भी है। जब आप बुढ़ापे में चले जाते हो, रोग आपको चारों तरफ से घेर लेते हैं, और जब आप ज्यादा दिन बीमार होने लग जाते हो तो आपके बच्चे आप पर ध्यान नहीं देते हैं। ये तो अब जाने ही वाले हैं, कमाई क्यों छोड़ें। वो जॉब पे चले जाते हैं, देवी को या किसी को कहते जरा ध्यान रखना, दवाई दे देना टाइम पे, बस दे देना। जिन बच्चों के लिए हम अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं, पूरा जीवन, पूरी कमाई जिन बच्चों के लिए हम छोड़ देते हैं, वही बच्चे हमारे बुढ़ापे में हमें छोड़ देते हैं। गजराज के सारे बच्चे छोड़ के चले गए। गजराज बोलने लगा, रे बाप रे, हो तुम्हें मैंने पाला पोसा, इतना बड़ा किया, क्या इसी दिन के लिए पाला कि जब मुझ पर विपत्ति आए तो तुम मुझे छोड़ के चले जाना। लेकिन उन बच्चों ने नहीं सुना, वो चले गए। पत्नियां फिर भी थोड़ी जूझती रहीं बचाने में, लेकिन नहीं बचा सके।
पत्नियां भी हार थक के छोड़ के चल दी, सब छोड़ के चल। अब तो गजराज बड़ा बुरा महसूस करने लगा कि ये वही परिवार है जिस परिवार के लिए हमने अपना पूरा जीवन लगा दिया, जी हम अकेला छोड़ गए मौत के मुंह में। वो रोने लगा और अचानक से उसे याद आ गई उस परमात्मा की। किसकी किसकी याद आई? जब इस दुनिया में कोई तुम्हारी मदद ना करे उस समय मेरे ठाकुर को आवाज लगाना, जब दुनिया साथ छोड़ दे तब मेरा गोपाल तेरी मदद के लिए आगे आता है, तब मेरा कृष्ण तेरी मदद के लिए आता है। हे गोविंद, हे गोपाल, दोनों हाथ ऊपर करिए, प्यार से पुकारिए प्रभु को, दोनों हाथ ऊपर करके। हे गोविंद, प्यार से बोले। जब गजराज के परिवारी जन उसे छोड़कर चले गए तो विपत्ति में उस गजराज को परमात्मा की याद आई और उस गजराज ने दोनों हाथ, बेचारे के तो थे नहीं, पैर ही होते हैं, हाथ तो उठा नहीं सकता, सूंड रह गई थी पानी से थोड़ा सा ऊपर, आपके तो हाथ हैं इसलिए हमने कहा हाथ उठाओ, गजराज के तो हाथ नहीं होते, उसकी तो सूंड है, और वो सूंड भी जानते हो कितना ऊपर रह गई, मात्र जौ के दाने के बराबर। जौ भर सूंड रही जल ऊपर, तब गजने गोविंद नाम पुकारो। और संतों के मुख से तो इतना सुना है, कहने जा रहा था गोविंद, मुंह से निकला गो, और जब तक विंद हुआ कंप्लीट, नाम कंप्लीट हुआ तब तक तो कष्ट से मुक्ति मिल गई उसे। नाम कंप्लीट होते होते मुक्ति मिल गई, कैसे? स्वयं भगवान पधारे, सुदर्शन चक्र से उस ग्राह का सर अलग कर दिया और गजराज को बचा लिया। उस गजग्राह के युद्ध में उस ग्राह को मारकर गजराज को बचाकर मेरे भक्त वत्सल ने भक्त वत्सल नाम सिद्ध कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। कितने गजब की बात है ना, गोविंद नहीं का पूरा, गो का था बिंद, होते होते संकट से मुक्ति मिल गई। है दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारी इतनी मदद कर दे, हेल्प कर दे? ए मुंडी ऊपर कर और जवाब दे, है कोई? फिर भी पूरी जिंदगी जीते उन्हीं लोगों के लिए। कभी तो मोहब्बत कर ले मेरे श्याम से,
मुक्ति पाले इस दुनिया के काम से। कभी तो सोचो इस बात को। अब यहां पर एक बात हुई, बड़ी सुंदर घटना घटी। नाम किसने बुलाया? गजराज ने। भगवान ने किसको उतारा? हैं? क्यों ग्राह को क्यों उतार दिया? पहले नाम तो ग्राह ने लिया नहीं था, नाम तो गजराज ने लिया था, तो भगवान ने इस ग्राह को क्यों तार दिया? बोले देखो, भगवान कहते हैं जो मेरे पैर पकड़ता है उसे मैं बाद में तारता हूं, लेकिन जो मेरे भक्तों के पैर पकड़ता है उन्हें मैं पहले तार देता हूं। क्या, किसको पहले तारता हूं? जो मेरे भक्तों के पैर पकड़ लेता है उसे मैं पहले तार देता। आपके पास में कितना स्वर्णिम अवसर है। भगवान से प्यार करना कितना मुश्किल है कि नहीं? दिखता नहीं है, सिर्फ सुन लो, कई लोग कहते हैं ही नहीं, कोई कहता है, बड़ा मुश्किल है। तो किसे प्यार करें? बोले जो भगवान के गीतों का गायन करते हो, जो भगवान की तरफ लोगों को ले जाते हो, जो तुम्हारे गुरु हो, संत महात्मा, भगवान के भक्त हो, ऐसे लोगों की मन से सेवा करते चले जाओ। इन भक्तों को भगवान बाद में तारेगा, पहले तुम्हें तार देगा मेरा ठाकुर जी, पहले तेरा कल्याण। तेरे भगे सवरिया जिया नहीं जाए, तुम्हां के बाँह पकड़ लो तो कोई बात बने, तेरे बगैर सवरिया। कभी दिल से है? नहीं कहा ना, नोटों के बिना नहीं जिया जाए, वोटों के बिना आजकल नेताओं पे न जिया जाए। नोट के बिना तू नहीं जीता, वोट के बिना वो नहीं जीता, कैसे देश का भला होगा? बोले जिया नहीं जाए भी तुम्हें लगे तो मेरे कन्हैया से दिल से यही बात कहना। क्या बोलोगे? जोर से बोलिए।